हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 15 की। तो सेक्शन नंबर 15 हमें बताता है कि अगर कोई भी बायर ने गुड्स परचेज किए हैं या फिर सर्विसेज ली है फ्रॉम द सप्लायर वो इज रजिस्टर्ड अंडर द एमएसएमई एक्ट। तो अगर बायर ने किसी एमएसएमई रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज किया या फिर सर्विसेज ली तो उसको जो भी सप्लायर को पेमेंट करना है वो विथ इन द टाइम लिमिट पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइम लिमिट क्या है। तो टाइम लिमिट इज मैक्सिमम 45 डेज फ्रॉम द अपॉइंटेड डे। अगर बायर और सप्लायर के बीच जो भी टर्म्स है वो अगर 45 डेज से कम की है तो वह कम की मानी जाएगी, लेकिन अगर 45 डेज से ज़्यादा की टर्म्स ऑफ क्रेडिट है तो उससे मैक्सिमम 45 डेज की ही क्रेडिट लिमिट मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अंडर द एमएसएमई एक्ट 45 डेज के अंदर अंदर उसको सप्लायर को पेमेंट करना ही पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि यह 45 डेज की लिमिट कहाँ से गिनी जाएगी। तो मान लो कि आज बायर ने एमएसएमई रजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स परचेज किया है या फिर सर्विसेज ली है, अगर बायर विथ इन द 15 डेज फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द गुड्स दैट इज फ्रॉम द टुडे अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज करता है तो जिस दिन सप्लायर वो ऑब्जेक्शन को ख़त्म करता है उस दिन से 45 डेज गिने जाएंगे। अगर बायर 15 डेज के अंदर अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है तो जिस दिन पे गुड्स की डिलीवरी हुई है या फिर जिस दिन सर्विसेज रेंडर की है उसी दिन से 45 डेज गिने जाएंगे। सो नाउ आई होप इट इज क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बायर ने सप्लायर को 45 डेज या फिर अगर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विच इज लेस देन 45 डेज उसके अंडर अंडर अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट ये बताता है कि अगर बायर ने सप्लायर को विथ इन 45 डेज या फिर एक्ट पर जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट विच इज लेस देन 45 डेज में पेमेंट नहीं किया तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट ये बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 3 टाइम्स देन द बैंक रेट एज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया। सो जो भी बैंक रेट होगा उससे 3 टाइम्स इंटरेस्ट लगेगा। सो सेक्शन नंबर 15 एंड 16 इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द एमएसएमई। नाउ वन मोर थिंग इज सेक्शन नंबर 22 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। सेक्शन नंबर 22 ऑफ द एमएसएमई एक्ट ये बताता है कि अगर आपका अकाउंट ऑडिट होता है अंडर किसी भी लॉ, अगर कोई भी लॉ में आपका अकाउंट ऑडिट होता है तो आपको पर्टिकुलर थिंग डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। वो कौन कौन सी चीज है कि आपको कौन सी प्रिंसिपल अमाउंट एमएसएमई को पे करनी बाकी है और उस पर इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। फिर अगर आपने प्रिंसिपल का पेमेंट कर दिया है लेकिन इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया है तो वह इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ड्यूरिंग द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सो इन तीनों चीज़ों का आपको डिस्क्लोजर और एज पर द एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत अपने ऑडिटेड अकाउंट्स में देना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने एमएसएमई को 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, तो उस पर मुझे अंडर सेक्शन 16 इंटरेस्ट लगेगा। नेक्स्ट थिंग इज अगर मेरा अकाउंट ऑडिट होता है तो मुझे एज पर सेक्शन 22 मेरे ऑडिटेड अकाउंट में वो पॉइंट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। नाउ व्हाट इज द इंटरेस्ट एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट। तो सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमई एक्ट 2006 हमें ये बताता है कि जो भी इंटरेस्ट हमने सप्लायर को पे किया है अंडर द एमएसएमई एक्ट वो इनकम टैक्स में डिस अलाउ होगा
और अगर आपको 3CD फिलअप करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है, मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो 3CD की क्लोज नंबर 17A में इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि अमाउंट इनएडमिसिबल फॉर द इंटरेस्ट अंडर MSME एक्ट 2006। तो यहाँ पे भी आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नाउ वन मोर थिंग इज, अगर मैंने ये डिस्क्लोजर जो सेक्शन नंबर 22 में बताया गया है कि ऑडिटेड अकाउंट्स में ये डिस्क्लोजर होने चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, या फिर प्रिंसिपल पे कर दिया है लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, अगर इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया तो व्हाट इज द क्वांटम ऑफ पेनल्टी। तो सेक्शन 27 हमें ये बताता है कि अगर आपने सेक्शन 22 का कोई भी वायोलेशन किया है, यानी कि ऑडिटेड अकाउंट्स में ये डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो आपको मैक्सिमम 10,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। सॉरी, मैक्सिमम नहीं, पेनल्टी विल नॉट बी लेस देन 10,000, मतलब 10,000 से ज़्यादा पेनल्टी लग सकती है, 10,000 तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। सो आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।